हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 5.1 पॉइंट वन ऑफ टेंथ क्लास मैथमेटिक्स सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन है इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन मेक एन कैन अर्थमेटिक एंड वाई यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें चार सिचुएशंस दे रखी हैं तो हमें ये बताना है कि इन सिचुएशंस में किन किन सिचुएशंस के अंदर एक एपी बन रही है तो यहाँ पर हम बारी बारी से सभी पार्ट्स को करेंगे फर्स्ट पार्ट को लेते हैं द टैक्सी फ़ेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज़ रुपये फिफ्टीन फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपये एट फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर टैक्सी फेयर यानी टैक्सी का किराया यहाँ पर फर्स्ट जो किलोमीटर है उसके लिए जो किराया है वो है रुपये फिफ्टीन पंद्रह रुपये पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो हमारे पास है पंद्रह रुपये और फिर आगे एडिशनल किलोमीटर के लिए प्रत्येक के लिए किराया है आठ रुपये फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर फिफ्टीन जो रुपीज़ है वो हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर के लिए और प्रत्येक एडिशनल के लिए आठ रुपये है तो दो किलोमीटर के लिए हमारे पास किराया कितना हो जाएगा फर्स्ट के लिए पंद्रह रुपये और सेकंड के लिए एट रुपये तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्वेंटी थ्री रुपीज़ इसी प्रकार फेयर फॉर थ्री किलोमीटर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे टू किलोमीटर फेयर फॉर टू किलोमीटर फेयर फॉर थ्री किलोमीटर तो तीन किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए पंद्रह अगले के लिए आठ और फिर तीसरे किलोमीटर के लिए भी आठ तो ये हमारे पास हो जाएगा इकतीस रुपये इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे फेयर फॉर फोर, फोर किलोमीटर चार किलोमीटर के लिए किराया क्या होगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए पंद्रह सेकेंड किलोमीटर के लिए फिर आठ थर्ड के लिए फिर आठ और फोर्थ के लिए फिर आठ क्यों क्योंकि हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए फिर हमारे पास है आठ रुपये और फर्स्ट किलोमीटर के लिए है फिफ्टीन रुपये ये हमारे पास हो जाएगा थर्टी नाइन रुपीज़ तो यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस बन गई वो है फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री थर्टी वन थर्टी नाइन यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे हम डी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे ट्वेंटी थ्री माइनस फिफ्टीन ये हमारे पास आ जाएगा एट नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड में से घटाएंगे सेकंड टर्म थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म थर्टी वन माइनस ट्वेंटी थ्री ये हमारे पास आएगा एट तो यहाँ पर जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस डी हमारा यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस. दोनों ही केस के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है सेम तो हम कहेंगे ए पी क्योंकि ए पी वाई होती है जिसके अंदर दो टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आए तो यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर एक ए पी बनेगी क्यों क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है सेम है सेकेंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रजेंट इन ए सिलेंडर वेन ए वैक्यूम पंप रिमूव वन बाई फोर ऑफ़ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम यहाँ पर हमें सिचुएसन दी हुई है कि एक सिलेंडर के अंदर एयर है और एक वैक्यूम पम्प है जो उस एयर का वन बाई फोर क्या कर देता है उस एयर का वन बाई फोर रिमूव कर देता है उसे निकाल देता है जितनी उसके बाद उसके अंदर जितनी सिलेंडर के अंदर एयर है उसको वो वन बाई फोर रिमूव कर देता है उसके बाद जितनी बचेगी उसमें से फिर वन बाई फोर रिमेनिंग जो भी एयर है उसमें से हर बार वन बाई फोर को वो वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है तो इसके लिए हमें बताना है कि ये क्या एक एपी होगी या नहीं होगी यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज दैट एयर प्रजेंट इन सिलेंडर हमने स्पोज कर लिया कि सिलेंडर के अंदर एयर जो प्रेजेंट है वो है 64 फोर यहाँ पर हमने स्पोज किया है इसको आप 64 फोर बजाय कुछ और भी ले सकते हैं 64 फ़ोर हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हम जो 1 बाई फोर करेंगे इसका हर बार उसमें से 1 बाई फोर रिमूव करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में ना आए एक कंप्लीट नंबर आए इसलिए हमने सिक्सटी लिया है तो यहाँ पर सपोज हम कुछ भी कर सकते हैं ना एयर रिमूव फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम एयर रिमूव कितनी होगी इसकी वन बाई फोर सिक्सटी का वन बाई फोर सिक्सटी फोर का वन बाई फोर तो ये हमारे पास हो जाएगी सिक्सटीन तो फर्स्ट टाइम में उसने सिक्सटीन एयर रिमूव कर दी इसके अंदर से तो हमारे पास कितनी बच जाएगी रिमेनिंग हो जाएगी हमारे पास रिमेनिंग एयर सिक्सटी फोर थी पहले उसमें से सिक्सटीन क्या होगी रिमूव होगी तो हमारे पास बच जाएगी ये फोर्टी एट सेकेंड टाइम के अंदर कितनी एयर रिमूव हो जाएगी जो रिमेनिंग है रिमेनिंग हमारे पास है फोर्टी एट उसका वन बाई फोर ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व तो हमारे पास रिमेनिंग एयर हो जाएगी पहले हमारे पास थी 48 उसमें से 12 वन बाई फोर ट्वेल्व रिमूव हो गई हमारे पास बचेगी 36 तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में जो एयर थी वो थी 64 उसके बाद हमारे पास रहेगी 48 और उसके बाद 36 तो यहाँ पर सीरीज़ हमारी हो जाएगी 64 फोर्टी एट थर्टी सिक्स स्टार्टिंग में सिक्सटी फोर फिर हमारे पास फोर्टी एट और फिर थर्टी सिक्स तो यहाँ पर डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे फोर्टी एट माइनस सिक्सटी फोर ये हमारे पास बचेगा माइनस सिक्सटीन नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म थर्टी सिक्स माइनस फोर्टी एट ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ट्वेल्व तो यहाँ पर दोनों ही डिफरेंस क्या हैं अलग अलग हैं कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो यहाँ पर ये ए पी नहीं होगी दिस इज नॉट एन ए पी थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वैन इट कॉस्ट रुपीज़ वन फिफ्टी फॉर द फेस्ट मीटर एंड राइज बाई रुपे फिफ्टी फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर इस सिचुएसन में हमारे पास एक कुआ है उसको खोद रहे हैं हम तो उसको कुएँ को खोदने के लिए जो फेस्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो है वन फिफ्टी फेस्ट मीटर के लिए कॉस्ट है वन फिफ्टी और उसके बाद हर एक मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है फिफ्टी रुपीज़ राइजेज़ बढ़ रही है हर एक मीटर के लिए फर्स्ट मीटर के बाद हर एक मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो फिफ्टी रुपीज़ इनक्रीज़ हो रही है बढ़ रही है तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएसन क्या होगी कि फर्स्ट में जो फर्स्ट के लिए कॉस्ट है फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो वन फिफ्टी है और उसके बाद हर एक मीटर के लिए कॉस्ट फिफ्टी रुपीज़ इनक्रीज़ हो रही है फर्स्ट मीटर के लिए डेढ़ सौ रुपये होंगे सेकेंड मीटर के लिए डेढ़ सौ प्लस पचास क्योंकि डेढ़ सौ फिक्स है ये तो फर्स्ट मीटर के लिए और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो फिफ्टी रुपीज़ प्रत्येक मीटर के लिए एक्स्ट्रा वो ले रहा है तो इसके लिए दो तो सौ हो जाएंगे थर्ड मीटर के लिए कॉस्ट हो जाएगी वन फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी ये हो जाएगी फर्स्ट के लिए क्योंकि ये फिक्स है वन फिफ्टी रुपीज़ ये हो जाएगी सेकेंड के लिए और ये फिर थर्ड के लिए टू फिफ्टी रुपीज़ फोर्थ मीटर के लिए हो जाएगा वन फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी ये है फर्स्ट मीटर के लिए ये फिर सेकेंड के लिए पचास रुपये एक्स्ट्रा थर्ड के लिए पचास एक्स्ट्रा और फोर्थ के लिए फिर पचास रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर हो जाएगा तीन सौ रुपये तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी ये सीरीज़ बनेगी यहाँ पर तो डी हमारे पास हो जाएगा कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म टू हंड्रेड माइनस वन फिफ्टी आएगा फिफ्टी इसी प्रकार डिफरेंस हो जाएगा थर्ड माइनस सेकेंड टर्म टू फिफ्टी माइनस टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो हर एक केस में क्या रहा है सेम आ रहा है इक्वल तो ये हो जाएगा ए पी दिस इज़ एन ए पी क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है हर बार सेम है फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज़ टेन थाउजेंड इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट एट परसेंट पर एनम इस सिचुएशन के अंदर स्टार्टिंग में दस हज़ार रुपये को डिपॉजिट किया गया है किसी अकाउंट के अंदर और फिर उस पर आठ परसेंट की दर से हर साल क्या लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि अकाउंट के अंदर पर ईयर कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए बैंक में जब रुपये हैं वो जमा है दस हज़ार अब उसके ऊपर इंटरेस्ट है एट परसेंट दस हज़ार का आठ परसेंट उसके ऊपर क्या है इंटरेस्ट है तो हमारे पास दस हज़ार इसका एट परसेंट हो जाएगा एट अपॉन हंड्रेड ये हमारे पास आएगा एट हंड्रेड तो इतने रुपये आठ सौ रुपये उसके ऊपर क्या है इंटरेस्ट दूसरे साल जो बैंक के अंदर पैसा डिपॉज़िट होगा वो कुल हो जाएगा दस हज़ार ये था आठ सौ रुपये इसके ऊपर इंटरेस्ट है तो टेन थाउजेंड एट हंड्रेड ये हो जाएगा इसके बाद अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक फॉर थर्ड ईयर तीसरे साल अब हमारे पास अमाउंट है ये इसके ऊपर फिर है एट परसेंट टेन थाउजेंड एट हंड्रेड के ऊपर एट परसेंट फिर लगेगा इंटरेस्ट ये हमारे पास आएगा इसका एट परसेंट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई एट अपॉन 100 ये आएगा हमारे पास एट सिक्सटी फोर तो थर्ड ईयर के लिए जो बैंक के अंदर डिपॉजिट होगा जो पैसा वो हो जाएगा हमारे पास प्लस एट सिक्स फोर ये आएगा एलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फोर ये हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर में हमारे पास टेन थाउजेंड था सेकेंड ईयर में हो जाएगा टेन थाउजेंड एट हंड्रेड क्यों क्योंकि इस अमाउंट के ऊपर एट परसेंट क्या लग गया है इंटरेस्ट तो टेन थाउजेंड का एट परसेंट होगा एट हंड्रेड तो कुल हमारे पास बैंक के अंदर सेकेंड ईयर में जो डिपॉजिट होगा वो हो जाएगा दस हज़ार आठ सौ टेन थाउजेंड एट हंड्रेड फिर थर्ड ईयर के लिए इसके ऊपर फिर एट परसेंट लगाएँगे हम दस आठ सौ का आठ परसेंट हो जाएगा हमारे पास एट हंड्रेड सिक्सटी फोर तो इसके अंदर जोड़ेंगे अमाउंट ये थी हमारे पास सेकेंड ईयर में एट सिक्सटी फोर इसके अंदर इंटरेस्ट हो गया तो थर्ड ईयर में बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा एलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फोर यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ हो जाएगी फर्स्ट ईयर में टेन थाउजेंड सेकेंड में टेन थाउजेंड एट हंड्रेड और थर्ड ईयर में एलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फोर यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास आएगा सेकेंड ट्रम माइनस फर्स्ट टर्म एट हंड्रेड नेक्स्ट डिफरेंस होगा 11664 सिक्स सिक्स फोर माइनस टेन हंड्रेड सॉरी टेन थाउजेंड एट हंड्रेड ये हमारे पास आ जाएगा एट हंड्रेड सिक्सटी फोर यहाँ पर दोनों ही डिफरेंस क्या हैं अलग अलग हैं सेम डिफरेंस नहीं कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों केस में कॉमन डिफरेंस अलग अलग है दोनों ही केस के अंदर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट है तो यहाँ पर ये ए पी नहीं होगा दिस इज़ नोट एन ए पी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम